आइए भक्तों, श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य सप्तम अध्याय। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था, वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए। वह जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा, तुम कौन हो और शिव जी कहाँ है? इंद्र ने कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मार डाला, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिवजी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवाधिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया है। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हो तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि को, जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है, को शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कीजिए। उसी समय
उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारी आँखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिवजी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथ से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि यह शिवजी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी का अंतर्ध्यान हो गई। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न था, अतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा छलती, पाद अर्ध्य तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती हैं। पति के परदेश जाने पर वह विरह वेदना का था दुख सहन करती हैं और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है, अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है। इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो यह दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वह जलंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु से कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से भरे हुए जलंधर ने घस्मर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। घस्मर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना मस्तक झुकाया और ना नमस्कार किया, बल्कि गर्ज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहा ला भेजा है, वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करने से जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वह रतन तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के यह अभिमान पूर्वक शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मथकर जो रतन लिए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और
देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदनवन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी में को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मर कर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो सदैव दैत्य समर भूमि में मर जाते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों को प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्र करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत गए पर गए। पर्वत ना पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर देव गुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देव गुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दशों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंप कर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वह नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमना, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर भगवान विष्णु
जलंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देख जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्त करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नरों आदि पर जितने भी रत्न थे वह सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने वाले तथा जलंधर का वैभव देखने के लिए हम उसकी राजधानी में गए थे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य सातवां अध्याय समाप्त। नमो नारायण।